हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तरास सोसाइटी में आप सबका दिल से स्वागत है। और आप कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो थोड़ी डिफरेंट है। आप इसे लंच एंड डिनर में एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा अंग्रेजी लंच बोल सकते हैं या फॉरेनर्स जो खाते हैं वो, इट इज़ वेरी हेल्दी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे कहते हैं चिकन स्टिक विथ मैश पोटैटो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है पोटैटो, इसे मैं अच्छे से पील कर दूंगी। मैंने लिया है 7 पोटैटोज। इसे पील करके इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर देना है फॉर बॉइलिंग। अब मैं इसे बॉईल कर दूंगी वाटर एंड देन सॉल्ट के साथ। इसे अच्छे से बॉईल होने देना है एंड देन देखिए आप 10-12 मिनट्स में ये अच्छे से बॉईल हो जाता है, मैश हो जाता है। तो ये बॉइलिंग करने का प्रोसेस इस तरीके से, इसे ड्रेन आउट कर दूंगी और इसे साइड में रख दूंगी। अब मैं इसे इसके लिए बनाऊंगी क्रीम। तो मैंने ले लिया है कुकिंग क्रीम, थिक कुकिंग क्रीम एंड देन उसमें मैं गार्लिक डाल दूंगी 5-6 एंड देन इसे मैं अच्छे से पकाऊंगी जब तक ये थिक ना हो जाए। फिर इसे मैं छान लूंगी और इसका गार्लिक मैं हटा दूंगी। बस हमें गार्लिक का टेस्ट चाहिए एंड देन मैश पोटैटो जो हमने बनाना है उसे मैं अच्छे से बीटर से बीट कर लूंगी एंड देन इसमें मैंने डाल दिया है मेल्टेड बटर। इसे और मैं बीट करूंगी। हमें मैश पोटैटो एकदम स्मूथ चाहिए। फिर मैंने जो क्रीम बनाया था वो थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी एंड देन बीट करूंगी। तो आप नॉर्मल बीटर से भी बीट कर सकते हो बट मेरे पास ये था तो मैंने कर लिया। अब मैं इसका बनाने जा रही हूँ ग्रेवी। सो ग्रेवी इज़ वेरी सिंपल। ये जो मैंने वाटर आप देख रहे हो ये है चिकन स्टॉक जो मैगी का मिलता है, वो मैंने 2 ले लिया है और इसमें 1 ग्लास वाटर डाल के उसे पका लिया था। अब मैं इसमें डाल दूंगी दूसरी तपेली में बटर, अमूल बटर, अच्छा खासा अमूल बटर लेना है। उसमें मैदा डालना है 2 टेबल स्पून। उसे अच्छे से पका के ये मैं चिकन स्टॉक डाल दूंगी। बस इसे थोड़ा 5-6 मिनट्स पकाना है एंड द ग्रेवी इज़ रेडी। इसमें सॉल्ट ज़रा भी नहीं ऐड करना है क्योंकि चिकन स्टॉक में अपने आप में ही सॉल्ट ऑलरेडी होता है। सो अब मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ मैश पोटैटो को। मैश पोटैटो डाल दिया, उसमें बीच में मैं ग्रेवी डाल दूंगी एंड देन इसे साइड में रख दूंगी। अब आती है चिकन की बारी। तो यहाँ मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, इसे मैंने थोड़ा थोड़ा कट मार दिया था। अब मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से वॉश भी कर दिया था। अब मैं इसमें डाल दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर एंड गार्लिक पाउडर एंड सॉल्ट। इसे मैं एक तरफ अच्छे से लगा दूंगी एंड देन इसे अच्छे से मैं टर्न करके देन इसे फिर से हमें सेम प्रोसेस करना है। ब्लैक पेपर पाउडर, गार्लिक पाउडर एंड सॉल्ट, इसे मैं अच्छे से मसाला मैरिनेट कर दूंगी एंड देन इसमें मैं डाल दूंगी ऑलिव ऑयल 1-2 टेबल स्पून और देन इसे मैं 1/2 आवर तक मैरिनेट करके रख दूंगी। तो यहाँ मैंने पैन ले लिया है, ग्रिल पैन एंड देन नॉर्मल पैन में भी आप इसे ग्रिल कर सकते हो। तो मैंने ले लिया है ऑलिव ऑयल एंड देन इसमें मैं ये डाल दूंगी चिकन्स एंड देन इसे मैं क्लोज कर दूंगी। तो ये प्रोसेस करने में, चिकन को ग्रिल करने में लगभग 20 मिनट्स तक लग जाता है। तो अब ये मैं इसे पलटा रही हूँ 5-6 मिनट्स के बाद। मैंने ओपन कर दिया था पैन एंड देन इसे पलटा के फिर से मैं 5-6 मिनट्स तक रख दूंगी। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है, तो देख सकते हो आप ये चिकन पक गया है। फिर भी मैं इसे थोड़ा ओपन पैन में थोड़ा ग्रिल करूँगी अच्छे से ताकि वो थोड़ा रेड और अच्छा दिखे एंड देन इट्स रेडी। आप इसे सर्व कर सकते हो सलाद के साथ, कुकुम्बर, टोमेटो, कैरेट, एनी पार्सली लीव्स, एनीथिंग। एंड दिस मैश पोटैटो इज ऑल्सो रेडी। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग डिश एंड वेरी हेल्दी डिश। सो प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई करना। और सो अल्लाह हाफिज़।